हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ धर्मेश। सबसे पहले तो दिवाली आ रही है, तो मेरी ओर से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली। आज का टॉपिक बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है ये सम टेक्निकल एरर। फिर से करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक का नाम है ये CA, यानी कि क्रिएटिव ऑटो। ये एक डायल मोड है। आप इस डायल मोड की मदद से पीछे का बैकग्राउंड ब्लर या शार्प बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले डायल मोड में यहाँ पे CA होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लेंस है वो फुल जूम कर लो। आप फुल जूम ये देख लो। ओके, उसके बाद आप क्यू प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेटिंग। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको सेटिंग। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो नेविगेशन की से लेफ्ट और राइट की। आप लेफ्ट साइड ले जाओगे इसको तो आपको पीछे का बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, और राइट साइड लेके जाओगे तो आपको पीछे का बैकग्राउंड शार्प ज़्यादा मिलेगा। तो पहले हम शार्प इमेज कैप्चर करते हैं, शार्प बैकग्राउंड इमेज। ओके, इसके बाद हम ये मार्क को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और फोटो कैप्चर करते हैं। ओके, चलिए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं फोटो देखने के लिए। तो सबसे पहले ये बात क्लियर करते हैं कि मैंने कैमरे के साथ 1855 का लेंस यानी कि किट लेंस यूज़ किया था। तो चलिए इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये इमेज में पीछे का बैकग्राउंड इतना ब्लर नहीं है, और सेकंड इमेज में आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर है। ये देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। तो आप ये क्रिएटिव ऑटो डायल के मोड से पीछे का बैकग्राउंड ब्लर आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको शटर स्पीड, ISO, अपर्चर ये सब की नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। तो ये था क्रिएटिव ऑटो डायल मोड। थैंक यू।